हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया हो। और हम अपने अगले सॉन्ग की मेलोडी बना रहे हैं, ट्रैप बीट बना रहे हैं। हमारे पिछले गाने की जीना मेरा, उसकी भी ट्रैप बीट हमने ऐसी बनाई थी। आई एम यूजिंग एफएल स्टूडियो डो। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। आगे ऐसे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। तो आज मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखाने जा रहा हूँ ट्रैप बीट कैसे बनाई जाती है। सो आइए दिखाता हूँ। सो ये हमारा डो एफएल स्टूडियो, मैं यही यूज़ करता हूँ। अपना जो तीसरा सॉन्ग था हमारा जीना मेरा, उसका म्यूज़िक भी हमने यहीं क्रिएट किया था। तो आपको अगर हमारे अगले सॉन्ग की, थर्ड सॉन्ग की जो बेस मेलोडी, आपको बेसिक उसका बता देता हूँ मैं कैसे बना रहे हैं। हम आप भी घर बैठे बैठे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले ये मिक्सर बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी ट्यून्स हैं यहाँ पे ऑप्शन में जाके इसी मिक्सर में डालें। ऑप्शन में जाएंगे आप, ऑडियो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप सेवन सेट कर लेंगे। आप देख लीजिएगा किस नंबर पे आपको मेलोडी सेट करनी है। सेवन पे मैं कर रहा हूँ जैसे, तो सेवन्थ मेलोडी ये होगी हमारी। यहाँ से हम उठा रहे हैं और जो में से बेसिक जो मेलोडी हम बना रहे हैं फर्स्ट, वो कोड आ कोड आ करके एक कोड है जो मुझे लग रही है बहुत अच्छी होगी। ये इसका मिक्सर है यहीं पर, आप यहाँ चाहें तो यहीं पर भी मिक्स कर सकते हैं इसे थोड़ा बहुत, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा वहाँ। पैटर्न वन में जाइएगा आप, कोड में आइएगा, यहाँ से लेफ्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा और पियानो रोल्स में आइएगा। पियानो रोल्स में आने के बाद आप कीबोर्ड अपना यहाँ से निकाल सकते हैं। पिकिंग अप दिस, यहां से क्लिक करके मैं इस मेलोडी को आगे तक खींच लेता हूं। मुझे ये पसंद आ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं इसको। सो दिस इज अवर फर्स्ट बेस ऑफ अ मेलोडी। इट्स वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। आपको अगर इसकी राइजिंग में आपको देना है, यहीं से ही हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम। थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा इनको साउंड गुड करने के लिए। सो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ साउंड कैसा कर रहा है अभी। इसको नीचे कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका पैटर्न रेडी है। इस पैटर्न पे आप क्लिक करके इस पैटर्न को आप यहाँ रख लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक, आपका पैटर्न कॉपी होता जाएगा आगे आगे। तो ये पैटर्न हमारा अभी साउंड कर रहा है। बहुत बेसिक है, तो आप एक काम कीजिएगा, नीचे आइएगा इस मिक्सर में, सेवन स्लॉट पे था आपका यहाँ। यहाँ नंबर आप डाल दीजिएगा, यहाँ नंबर डालने से क्या होगा आपका सेवन स्लॉट पे लाके, जैसे सेवन स्लॉट पे मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये आपको प्ले होता दिखेगा। यहाँ रिवर्ब मैंने फ्रूटी ऐड, ये फ्रूटी रिवर्ब मैंने ऐड की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका डिले बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा वेट बढ़ा दीजिएगा, ड्राई थोड़ा ठीक ठाक रखिएगा, अगर वेट आप बढ़ाते हैं तो ठीक रहेगा, आपकी साउंड थोड़ी गूंजेगी। अब ये साउंड ऐसे करेगी, आपको बता देता हूं पहले कैसी साउंड कर रही थी और बिना रिवर्ब के, और रिवर्ब के कैसे साउंड करेगी। ये विदाउट रिवर्ब था, साउंड्स गुड, गूंजने लगी है हमारी फर्स्ट ईयर रेडी है। यहां से आप अपनी दूसरी मेलोडी के लिए क्या कीजिएगा, पैटर्न टू कर लीजिएगा। पैटर्न टू में आप लिख दीजिएगा मेलोडी टू। हम उठाते हैं यहाँ से, आपको फिर से वही करना होगा। यहाँ पे एट नंबर स्लॉट में आपको लाने के लिए ऑप्शन में जाइएगा,
ऑडियो सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पे नंबर 8 कर दीजिएगा, 9, 10, 11, 12 आपको जहाँ रखनी है आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं उसको। 8 पे रखने के बाद हम यहाँ जाते हैं कीबोर्ड में, कीबोर्ड से हम ग्रैंड पियानो उठाते हैं, ग्रैंड पियानो की दूसरी मेलोडी हमको यहाँ पे सेट करनी है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छा दिखेगा, एक ही मेलोडी पे आप गाना ना चलाएं, मेलोडी दो होनी चाहिए। रिवर्ब वाली चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, पियानो आपको यही मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप अपना स्लॉट नंबर लिख लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे हम डाल रहे हैं, तो 8 पे ग्रैंड पियानो आएगी। यहाँ से आप कीजिएगा राइट क्लिक, पियानो रोल्स, पियानो रोल्स में आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपकी साउंड अच्छी बैठ रही है, जैसे C5, C6। तो मुझे ये साउंड अच्छी लग रही है यहाँ पे, सो आई एम पुटिंग, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मैं जैसे इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ, छोटी मेरे को बीट चाहिए। ये माउस से भी हो जाती है आपको, अगर कीबोर्ड पे हाथ खुला हुआ है तो वेल एंड गुड है, आपका टाइम बचेगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिगनर हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और मैं बिगनर के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वही बात है, जो 1 घंटे का काम होना चाहिए वो 1.5 घंटे में होगा आपका, बट आप बिगनर हैं तो हाथ खोल भी लीजिएगा कीबोर्ड और माउस पे, धीरे धीरे खुल जाएगा आपका भी, आपको थोड़ी सेंस आ जाएगी। छ, 7, मेरे को यहाँ पे कुछ और डालना पड़ेगा इसका, रुकिए पर मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए इसको बजा के देखते हैं एक बार कैसा साउंड कर रहा है। सेकंड पैटर्न ये है हमारा, तो हम इसको फर्स्ट छोड़ के सेकंड पे रख रहे हैं, बजा के देखते हैं एक बार आगे से। चेंज कर लेंगे, और मेरे को थोड़ा सा साइड में लग रहा है, यहां से हम करके देखते हैं एक बार। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको म्यूजिक चाहिए वैसे बना लीजिएगा। तो हमारी जैसे ये बेस मेलोडी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें आपको रिवर्ब ऐड करनी है, ये भी गुंजानी है तो वो भी हो जाएगी आगे से, लेकिन आपको मैं बेसिक दिखा रहा हूँ, आप एक बार प्ले करके देख लीजिए। मैं रिवर्ब और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत ही प्लेन साउंड कर रही है, तो वैसे ही आपको जैसे बताया था मैंने मिक्सर में साइड में यहाँ पे स्लॉट 1 है, आप यहाँ जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रिवर्ब देख लीजिएगा यहाँ पे है, डिले रिवर्ब जो है ये इतनी रिवर्ब्स हैं यहाँ पे, आपकी मर्जी, आप कोई से भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं फिर से यहाँ पे फ्रूटी चूज कर रहा हूँ, इसका मैं डिले इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, और आप प्ले करके सुनिएगा एक बार।
इसका थोड़ा सा यहाँ से हम इक्वलाइजर में से थोड़ा सा पीछे का इसका बढ़ा देते हैं एक बार। अभी देखते हैं इसको साउंड करके कैसा लग रहा है। अब यहाँ से आप ये साउंड थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं जचाने के लिए, थोड़ी बैक में अगर जा रही है तो। तो ऐसे ही आप आगे भी इसकी 808 साउंड कर लीजिएगा, किक हो गया आपका, क्लैप हो गया, हैट हो गया, ऐसे ही आप ऐड करते जाइएगा। अब जैसे यहाँ से हैट, यहाँ से आप किक है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसको भी आप स्लाइड करके अपना पैटर्न 3 में ला के इसी में डालिएगा मिक्सर में अपने में, और सभी ऐसे ही बजाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें परफेक्टली ऐसे ही साउंड करें। सो थैंक यू।